गाइस वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें क्रेजी फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, देबीना की सेकंड प्रेगनेंसी पर उठे सवाल, अब एक्ट्रेस ने दिया ऐसे जवाब। बेटी लियाना के जन्म के 4 महीने बाद देबीना बैनर्जी फिर से मां बनने वाली हैं। ऐसे में कई लोग उनकी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देबीना इंस्टाग्राम क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान लोगों के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देती नजर आई। एक यूजर ने देबीना को सलाह दे दी कि उन्हें सेकंड बेबी के लिए 1 साल का वेट करना चाहिए था। यूजर ने पूछा, मैम आपको पहले बेबी के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो आपको नहीं लगता कि आपको दूसरे बेबी के लिए कम से कम 1 साल का वेट करना चाहिए था? इसके जवाब में देबीना ने बदले में एक सवाल पूछ लिया और लिखा, यदि मेरे साथ कोई चमत्कार हो जाए तो आपका क्या सुझाव है? अबॉर्शन। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज, माही में सॉन्ग सुनकर नेहा कक्कड़ के छलके आंसू, लोगों ने लगा दी क्लास। बीटाउन की पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में बतौर गेस्ट नजर आएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि नेहा कक्कड़ अपने इमोशनल रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में सुपरस्टार सिंगर 2 का लेटेस्ट प्रोमो सोनी टीवी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नेहा कक्कड़ स्टेज पर धमाकेदार एंट्री करती हैं। इस दौरान पिंक कलर के कॉर्ड सेट में वो काफी स्टनिंग लग रही थी। इसके बाद कंटेस्टेंट मणि माही में गाने गाते हैं, जिसे सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती हैं। नेहा कहती हैं कि वो हजारों कॉन्सर्ट में गा चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से मणि ने ये गाना गाया, वो कभी इस तरह का गाना नहीं गा सकती। नेहा के इस कदर इमोशनल होने पर लोग भड़क गए और उन्हें ट्रोल करने लगे। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज, किसने दिया हिना खान को धोखा, एक्ट्रेस ने कही मुंह तोड़ने की बात। हिना खान का एक वीडियो फैंस का ध्यान अपनी तरफ खूब खींच रहा है। इस वीडियो में हिना खान कैमरे के आगे गुस्सा करती नजर आ रही हैं। वीडियो में बात करते हुए हिना ने किसी का मुंह तोड़ने की बात कही। दरअसल हिना से इस वीडियो में ब्रेकअप के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ही हिना खान से पूछा गया कि क्या उनका किसी ने कभी दिल तोड़ा, वैसे ही हिना खान ने कहा, अगर कोई उनका दिल तोड़ेगा तो वो उसका मुंह तोड़ देंगी। हिना खान ने मुस्कुराते हुए ये डायलॉग मारा है। फैंस को हिना का अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद आ रहा है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज, राघव जुआल को डेट करने पर अब बोली शहनाज गिल। हाल ही में एक खबरें सामने आई थी कि शहनाज गिल डांसर और टीवी होस्ट राघव जुआल को डेट कर रहे हैं। वहीं जब इस पर राघव से सवाल किया गया था, तो उन्होंने इन सवालों को इग्नोर करने के लिए कहा था। हालांकि अब राघव संग डेटिंग की खबरों पर खुद शहनाज गिल ने चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में शहनाज अपने भाई शहबाज के साथ उनके नए पंजाबी सॉन्ग आंदा जांदा के लॉन्च इवेंट में पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस से उनके अफेयर को लेकर सवाल किया गया। इस पर शहनाज ने कहा, मीडिया झूठ क्यों बोलती है, आप लोग कुछ भी बोलते हो। शहनाज ने आगे कहा, अगर आप किसी के साथ खड़े हो तो इसका मतलब आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो। हम किसी के साथ घूम ले या बात कर ले तो हमारा अफेयर चल रहा होता है ना, थैंक यू। अब शहनाज के रिएक्शन से तो साफ पता चल रहा है कि वो राघव के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज, राजू श्रीवास्तव की फिर बिगड़ी हालत, सामने आया हेल्थ अपडेट। दरअसल एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर से बिगड़ गई है और इस वक्त उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम लगातार राजू की सेहत पर नजर रख रही है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के साथ साथ राजू के परिवार वाले भी बेहद परेशान हैं। ऐसे में देखना होगा कि राजू श्रीवास्तव की सेहत में कब तक सुधार होता है। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज, इस शो को रिप्लेस करेगा शेरदिल शेरगिल शो, इस दिन देगा दस्तक। धीरज धूपर और सुरभि चांदना स्टारर न्यू शो शेरदिल शेरगिल का इंतजार लंबे वक्त से फैंस कर रहे हैं। वहीं अब खबरें सामने आई है कि सुरभि धीरज का ये नया शो कलर्स के स्पाई बहू को रिप्लेस करेगा और शो 5 सितंबर से रात 9:30 के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा। टीवी का तड़का, सातवीं रात की टॉप न्यूज, झलक दिखला जा 10 में नजर आएंगे अली असगर। कपिल शर्मा के शो में लोकप्रिय किरदार दादी को निभाकर फेमस हुए मशहूर कॉमेडियन अली असगर झलक दिखलाजा के 10वें सीजन में शिरकत करने जा रहे हैं। अली ने खुद इस खबर पर मोहर लगाई है। अली ने बताया, मैं झलक दिखलाजा जैसे बड़े शो का हिस्सा बनकर एक्साइटेड हूं। मैं थोड़ा नर्वस हूं, लेकिन जज माधुरी मैम, करण सर और नौरा के साथ काम करने को लेकर खासा एक्साइटेड हूं। भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी डांस शो का हिस्सा बनकर मुझे एक कलाकार के रूप में अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वेल, तो ये है टीवी की दुनिया की आज की 7 छोटी बड़ी खबरें।